हेलो क्लास, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो हमें दे रखा है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज एनी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज डैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग वेब पेज। तो वेब पेज को किस तरह से डिजाइन किया जाता है इसके अंदर, और आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें बता रखा है, द वर्ड हाइपर टेक्स्ट मीन्स डैट एनी टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज कैन बी लिंक्ड विद अनदर वेबसाइट पेज। तो किस तरह से इसका हम लिंक बना के यूज़ कर सकते हैं, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाना है। यहाँ से एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे और नोट पैड को ओपन कर लेंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। दोबारा से स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज, और यहाँ से हमने नोट पैड जो है ओपन कर लेनी है। जैसे नोट पैड ओपन होगी और यहाँ पे हमारे पास इस तरह का जो वाइट पेज है वो ओपन हो जाएगा। सो करते हैं शुरू। नेक्स्ट करता है इसका, नेक्स्ट बता रहा है इसके अंदर कि स्ट्रक्चर किस तरह से हम इसका तैयार करते हैं, जो हमारे पास HTML होता है। हाउ मैनी स्ट्रक्चर यूज इन HTML में, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखना है दो साइन एक लेस देन इन ग्रेटर देन। ठीक है, हमने लेस देन यूज़ किया एंड देन HTML एंड ग्रेटर देन। अब यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन ना बोल के इसको हम बोलेंगे ओपन एंड क्लोज, ओपन टैग एंड क्लोज टैग। क्लियर है क्लास? चलते हैं नीचे। नेक्स्ट लिखेंगे हम हेड। हेडिंग के लिए हेड कह लो, तो हम इसका यूज करेंगे हेड। नेक्स्ट हम लेते हैं टाइटल, कि हम टाइटल क्या ले रहे हैं, किस टाइटल के ऊपर हम इसको बनाने जा रहे हैं। टाइटल लेने के बाद मान लीजिए टाइटल में मैंने लिया अपना मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर जवाहर स्कूल। और अब क्या करना है, हमने टाइटल को क्लोज कर देना है। टाइटल को क्लोज करने के लिए हमारे पास जो है ये वाला साइन यूज करेंगे हम। टाइटल को क्लोज करने के लिए ये वाला साइन जो है हमारा यूज होगा, और हमने क्या करना है, यहाँ से टाइटल क्लोज कर देंगे। क्लियर हुआ? इतना पॉइंट करने के बाद, ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन आएगा, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ HTML। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने .html लगाया साथ में। ये इसलिए लगाया है क्योंकि बिना .html की आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं होगी। बिना डॉक्यूमेंट के जो आप सेव कर रहे हैं फाइल, जो डॉक्यूमेंट है आपका, वो .html के बिना सेव नहीं हो पाएगी। सो लेट उसके बाद हमने लिखने के बाद सेव कर देंगे। अब ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। हमने क्या करना है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल डाउन में, देखिए मेरे जो हमारे पास डाउन में एरो है, यहाँ पे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे भी कुछ टूल बार नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और मेन्यू बार को यहाँ पे क्लिक करके वापस लेके आऊँगा। हटाने के लिए यहीं से हम इसको जो टिक हो रखे हैं, चेक हो रखे हैं, हम इनको टिक अनटिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, तो ये यहाँ से हिड हो जाएंगे। अगर वापस लाने हैं, शो करने हैं, तो दोबारा से चेक पर क्लिक करेंगे और ये दोबारा से ओपन हो जाएंगे। सो इसके बाद हमने क्या करना है, मेन्यू बार पे क्लिक किया था, मेन्यू बार आ गया हमारा वापस से। हमने क्या करना है, फाइल पे और ओपन कर देंगे। यहाँ से आप कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे कंट्रोल ओ करेंगे, हमने यहाँ से डेस्कटॉप जो है चॉइस कर लेना है, और हमारी जो फाइल है वो किस नाम से सी सेव, किस नाम से हमने की थी, और उस फाइल को यहाँ पे देख लेंगे। अगर नहीं आ रही तो ऑल फाइल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे हमें शो हो रही है हमारी फाइल HTTP। मैंने इसको यहाँ से ओपन कर लिया है, और इस तरह से ओपन करने के बाद ये देखिए हमारा जो है एड्रेस बन जाएगा जो जहाँ पे हमारी फाइल है, और इसको ओके कर देंगे। क्लियर हो गया?
यहाँ पे सिर्फ हमारा टाइटल शो हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे सिर्फ हमारा टाइटल शो हो रहा है, सर्ज वार सिंह पब्लिक स्कूल ये पर लिखा रहा है, हमारा ओनली टाइटल शो हो रहा है यहाँ पे। टाइटल शो होने के बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसी पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो अभी आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं अपना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोई भी एक ऑर्डर देता हूँ छोटा सा, एक फाइल को यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ मार्किंग वगैरह किस तरह से इसके अंदर हमने यूज़ करना है, बॉडी किस तरह से यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या रहेगा हमारे पास वो देखते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल वगैरह क्लियर कर लिया, नीचे आते हैं, नीचे हम लिखेंगे बॉडी। अब इसके अंदर क्या क्या यूज़ करने वाले हो, बॉडी मैंने यूज़ किया है, बॉडी को हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब बॉडी को क्लोज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है समर एंड फ्रूट्स। समर फ्रूट्स के बारे में मैंने ऑर्डर किया है, तो मैं इसको कहाँ से है वो मैं यहाँ से एचआर हॉरिजॉन्टल, एचआर का मीनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे हमने यूज़ की है, और इसको नीचे आएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर लिस्ट मेरी क्या रहने वाली है, ओ एल यानी कि ऑर्डर लिस्ट, ओ एल का मीनिंग ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में मैं क्या यूज़ करूँगा, टाइप क्या क्या टाइप चाहिए हमें, इक्वल टू ए, ए टाइप में हमें फ्रूट्स चाहिए, और मैंने इसको क्या किया है क्लोज कर दिया है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब हम क्या क्या आपको ऑर्डर के अंदर लिखना है, क्या क्या सामान की ज़रूरत है, क्या क्या लिस्ट चाहिए आपको। मैं लिस्ट वन में लिख देता हूँ, कैपिटल में लिख रहा हूँ एल को लिस्ट वन, लिस्ट वन को क्लोज कर देंगे। आपको क्या चाहिए, जैसे मुझे एप्पल चाहिए तो मैं यहाँ पर एप्पल लिख दूँगा, क्लियर है। इसी तरह से उसके बाद निचले वाली लिस्ट में, या आप इसको एल आई भी लिख सकते हैं, एल आई भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसका, यानी कि लिस्ट है जो हमारी एल आई से भी यूज़ कर की जा सकती है। आप इसको चाहे तो नंबर वाइज भी यूज़ कर सकते हैं, एल वन एल टू, तो मैं यहाँ पे एल वन एल टू भी यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको एल लिस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करूँगा। अब मैंने यहाँ पर मैंगो लिख दिया है, तो मैंने मान लीजिए इतना सही प्रोग्राम को हम शॉर्ट में ही रखेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं शॉर्ट में ही आपको सारा क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम इसको सेव कर देंगे दोबारा से, कंट्रोल एस कर लेना है अपने कीबोर्ड से, और जहाँ पे हमने टूल बार को बनाया हुआ है, जहाँ पे हमने वेब पेज को बनाया हुआ है, वहाँ पर रिफ्रेश करेंगे एक बार फिर से। अगर नहीं ओपन हो रहा, आपने क्या करना है, ओपन दोबारा से जिस नाम से आपकी फ़ाइल सेव है वो फाइल यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो आप इसको ओके करेंगे तो आप देखिए जो आपने ए बी सी डी जो लिस्ट ओपन की है, जो आपने फ्रूट्स वगैरह ऑर्डर किए थे वो आपके यहाँ पे आ गए हैं, क्लियर हो गया। यहीं पे मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लीजिए समर फ्रूट को आप चलाना चाहते हैं, तो आप इसको मान लीजिए मार्क्यू करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे मार्क्यू का भी यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ, मैंने कंट्रोल एस कर दिया है दोबारा से, सेव एंड वापस वहाँ जाएंगे। जैसे मैंने वापस से क्लिक किया है और मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने के बाद ओपन कर लेंगे दोबारा से। गाइस मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये रिफ़्रेश नहीं कर पा रहा है इसको, और मैं इसको दोबारा से यूज़ करके आपको ओपन करके बता रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसको ओनली फॉर अपने रिफ़्रेश से ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने लिखा था वो मार्क्यू हो गया। अगर मुझे इस मार्क्यू को क्लोज़ करना है, तो मुझे एच आर से पहले इस मार्क्यू को क्लोज़ कर देना होगा, ताकि जो हमारी लिस्ट है वो नीचे सेम रहे, और जो हमारे लिस्ट के बाद जो ऊपर वाला हेडिंग है वो चलता रहेगा, बाकी लिस्ट के नीचे वाला जो हेडिंग है वो क्लोज हो जाएगा, मतलब सभी हमारे यूज नहीं हो पाएंगे। मैं दोबारा से सेव कर रहा हूँ इसको, सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, और यहाँ से जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरी फ़ाइल जो है हट जाएगी यहाँ से, लेकिन मैं फिर भी इस फाइल को दोबारा से ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने फाइल को ओपन किया है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे यहाँ पे, और यहाँ से मैं डाउन में इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये हमारी फाइल जो है ओके कर देंगे इसको। अब देखिए जो हमारे पास नीचे जो हमारे मैटर था वो नीचे रह गया है, और सिर्फ ओनली फॉर हमारा फ्रूट्स वाला ही, समर फ्रूट वाला ही हेडिंग जो है वो ओपन है।
मतलब वो है हमारा मार्क्यू हो रहा है। क्लियर हो गया क्लास? जैसे कोई हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या कोई जॉब वगैरह के लिए सर्च करते हैं, आपने देखा इस तरह के पॉइंट आपको सबसे पहले वेब पेज पे दिखाए जाते हैं कि कौन सा हमारा लेटेस्ट चल रहा है वर्जन। तो इस तरह से हम इसको लेटर्स में दिखा सकते हैं। तो क्लास क्लास को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।